जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस में सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। तो साथियों स्टार्ट हो चुका है आज का सेशन, सभी साथी आ जाएं और एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। जिन भी साथियों ने अभी तक दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया है वो जल्दी से लाइक करेंगे और अपने मित्रों तक शेयर भी कर दें। दोस्तों यहाँ पर आज आपसे पूछा जाएगा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हमारे जितने भी साथी हैं दोस्तों और यहाँ पर हिंदी साहित्य के जिनको भी ट्रिकी नोट्स मंगवाना है वो ट्रिकी नोट्स मंगवा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, नंबर पर संपर्क कर सकते हैं जिनको भी ट्रिकी नोट्स मंगवाना है दोस्तों, और जिनको भी दोस्तों कोर्स में एडमिशन लेना है वो ले सकते हैं। आज का अपना पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, फटाफट से बताइए और लाइक भी कर देना है सभी साथियों को। संथाली किस भाषा परिवार की भाषा मानी जाती है? संथाली किस भाषा परिवार की भाषा मानी जाती है ये आपको बताना है, जल्दी से बताइए और एक बार लाइक भी कर दीजिए सभी साथी। बताओ एक क्वेश्चन संथाली का पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है दोस्तों, बताना है। और आपका उत्तर जा रहा है यहां पर कि सर आस्ट्रिक भाषा परिवार की है। संथाली किस भाषा परिवार की है? आस्ट्रिक भाषा परिवार, यानी सी नंबर आपका करेक्ट आंसर है। टकसाली भाषा किसे कहते हैं बताइए? टकसाली भाषा किसे कहा जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोगों को आंसर चयन करना। टकसाली भाषा संस्कृत नेट भाषा को, ग्रामीण भाषा को, परिनिष्ठित भाषा को या फिर कृत्रिम भाषा को? टकसाली भाषा किसे कहा जाता है, एक अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। कई लोग यहां पर जनता जनार्दन किस क्वेश्चन की ओर जा रही है जल्दी से बताइए। और सीधा सीधा आंसर जा रहा है कि सर टकसाली जो भाषा कहा जाता है वो परिनिष्ठित भाषा को कहा जाता है, यानी कि सी नंबर आपका करेक्ट आंसर है, सी नंबर आपका राइट आंसर है, ठीक है, सी नंबर बिल्कुल सही है। प्रतिशोध कहानी के रचनाकार कौन है? प्रतिशोध कहानी के रचनाकार कौन है बताइए? केशव प्रसाद से हैं, राकेश भट्ट से हैं, दूधनाथ से हैं या फिर दोस्तों गंगा प्रसाद बिमल हैं, बताइए। कपिल जी क्या है यहां पर राइट आंसर? प्रतिशोध कहानी के रचनाकार कौन मानी जाती है? एक अच्छा क्वेश्चन और बढ़िया सा क्वेश्चन पूछा गया है, प्रतिशोध कहानी पूछा गया। और कहानी में मैंने आपको याद भी करवाया था कि प्रतिशोध, जब अगर आप दूध लेकर जाते हो और दूध अगर गिर जाए तो आपको क्या होता है? प्रतिशोध होता है। तो दूधनाथ से है यानी डी नंबर, और प्रतिशोध होता है तो प्रतिशोध कहानी के रचनाकार हैं दूधनाथ से है, डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। गोमा हस्ती है, कहानी की लेखिका कौन है? गोमा हस्ती है। चार नंबर का क्वेश्चन है, नासिरा शर्मा, मैत्री पुष्पा, मंजुल भगत या फिर राजी सेठ? गोमा हस्ती है, कहानी की लेखिका कौन मानी जाती हैं? ये चार नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है और बताइए। गोमा हस्ती है, डीसीपी क्लासेस बताएं, किसके साथ हस्ती है? बोले सर गोमा मित्रों के साथ हस्ती है। नासिरा शर्मा है क्या? देखो बहुत सारे लोग नासिरा शर्मा लगा रहे, लेकिन मैंने आपको याद भी करवाया था कि सर ये जो गोमा हस्ती है कहानी है, गोमा हस्ती है किसके साथ? मित्रों के साथ, मित्रों के। तो मैत्री पुष्पा की ये कहानी है, बी नंबर आपका करेक्ट आंसर और राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी नंबर सही है। ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना कौन सी नहीं है? पांच नंबर का क्वेश्चन है, ठाकुर जगमोहन की रचना कौन सी नहीं है? सूर्यपुराधीश, श्यामलता, प्रेम संपत्ति लता या फिर देवयानी? पांच नंबर का क्वेश्चन है, पांच में आपको बताना है ठाकुर जगमोहन की रचना कौन सी नहीं है, यह पूछा गया है, बताएं कौन सी नहीं है, पांच का आंसर बताना है, लाइक कर देना है। और अधिकांश लोगों ने आंसर बता दिया है, जनता जनार्दन बिल्कुल जा रही है सूर्यपुराधीश की ओर। ये नंबर आपका ठाकुर जगमोहन के बारे में आप पढ़ते हैं, ये नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सी रचना भारतेंदु की नहीं है दोस्तों बताइए? भारतेंदु की रचना कौन सी नहीं है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया और आपसे भी पूछा जा रहा है यहां पर, बताएं और चयन भी करना है, सभी साथी बताएंगे और एक बार जल्दी से लाइक भी कर दो हमारे साथी, ठीक है। कौन सी रचना भारतेंदु जी की नहीं है? ऐसे कितने साथी हैं जिनको दोस्तों एडमिशन लेना है सेल्फ स्टडी क्लासेस में और दोस्तों पढ़ना है निरंतर, बताएं कितने साथी हैं? अभी ऑफर चल रहा है बढ़िया सा, ऑफर है 1200 में 12 महीने का,
1200 में 12 महीने का ऑफर है, बढ़िया सा ऑफर है। तो 6 नंबर का क्वेश्चन है और आपका उत्तर हो जाएगा कि सर प्रेम संपत्ति लता ये रचना भारतेंदु जी की नहीं है, डी नंबर आपका करेक्ट आंसर है। विरह वारिस किसकी रचना है, एक अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, विरह वारिस पूछा गया। सही आंसर क्या हो जाएगा यहां पर, विरह वारिस ये किसकी रचना मानी जाती है। सभी लोग जिन भी साथियों ने अभी तक दोस्तों पीडीएफ नोट्स नहीं मंगवाए हैं, जिनको भी नोट्स मंगवाना है वो शीघ्र मंगवा सकते हैं, ठीक है, संपर्क कर सकते हैं। विरह की वारिस इतनी हुई कि नाम पड़ गया बोधा। विरह की वारिस इतनी हुई कि दोस्तों नाम पड़ गया क्या बोधा, ठीक है। तो यहां पर बोधा यानी ये नंबर आपका सही है। विरह की वारिस किसकी रचना है, बोधा की है। भाव विलास के रचनाकार कौन है, 8 नंबर का क्वेश्चन है। भाव विलास के रचनाकार आपको चयन करना है दोस्तों, भाव विलास बताएं और चयन करिए, सीधा सीधा आंसर है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन यहां पर पूछा गया आप लोगों से, सभी लोग बताएंगे भाव विलास, भाव को क्या दो, ब्रह में नाम पड़ गया बोधा, बिल्कुल सही है सीताराम मीना जी। भाव विलास के रचनाकार कौन माने जाते हैं, 8 नंबर का क्वेश्चन और आपका उत्तर जा रहा है कि भाव को विलास देव यानी बी नंबर आपका राइट आंसर है, देव आपका सही आंसर है। लालटीन की छत एक किसका उपन्यास है, लालटीन की छत एक किसका उपन्यास है, अयोध्या से उपाध्याय हरिओद का, निवास दास का, निर्मल वर्मा का या फिर गोपाल राम गहमरी का। लालटीन की छत किसका उपन्यास माना जाता है, 9 नंबर का क्वेश्चन है और ये कल भी क्वेश्चन अपना आया था, ये क्वेश्चन अपन ने पढ़ भी लिया है, कई बार पढ़ा है, दोबारा ये क्वेश्चन आया, लालटीन की छत के नीचे आपको कैसा लगता है, बोले सर बड़ा निर्मल लगता है, यानी कि सी नंबर फिर आपने सही बता दिया। वैशाली की नगर वधु, 10 नंबर का क्वेश्चन, वैशाली की नगर वधु इसके रचनाकार कौन है, हरिओद है, चतुर्सेन शास्त्री है, राहुल सांकृत्यायन है, राम नरेश त्रिपाठी हैं, कौन माने जाते हैं वैशाली की नगर वधु के रचनाकार। 10 नंबर का क्वेश्चन है, सीधा सीधा आंसर आपको बताना है और अपन ने कई बार याद भी किया है कि सर वैशाली की जो नगर वधु है वो बहुत कैसी है चतुर, तो चतुर्सेन शास्त्री यानी बी नंबर आपका करेक्ट और राइट आंसर है, ठीक है। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कवि कौन है दोस्तों, निरंजनी संप्रदाय इस संप्रदाय पूछा जाता है, 11 नंबर का क्वेश्चन पूछा ही जाता है, निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कवि कौन है बताएं, और एक बार जल्दी से लाइक भी कर दें। 11 नंबर में सही आंसर क्या जा रहा है, हरप्रीत कौर जी, और इसे निरंजनी संप्रदाय पूछा जाता है तो हरिदास निरंजनी माने जाते हैं, बी नंबर आपका करेक्ट और राइट आंसर है। तुलसीदास द्वारा लिखित शारीरिक पीड़ा से मुक्ति हेतु दोस्तों लिखा गया ग्रंथ कौन सा है, शारीरिक पीड़ा से मुक्ति हेतु लिखा गया ग्रंथ कौन सा है, रामलला नेहचू, वर्वे रामायण, हनुमान बाहव, विनय पत्रिका। 12 नंबर का क्वेश्चन है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन माना जाता है, शारीरिक पीड़ा से मुक्ति हेतु लिखा गया इनका ग्रंथ कौन सा है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। लाइक करके सब्सक्राइब कर लो सभी साथी, बेल आइकन को भी दबा दिया करो ताकि इन्फॉर्मेशन आपके दोस्तों से मोबाइल पे पहुंचे यथा समय पर। 12 नंबर के क्वेश्चन में आपको पता है कि सर वो रचना हनुमान बाहुक है, सी नंबर आपका सही है, ठीक है। धातु सेन प्रसाद के किस नाटक का पात्र है, जिन भी साथियों को नोट्स मंगवाना है वो नोट्स मंगवा सकते हैं, चाहे पंजाब मास्टर कैडर वाले हों, चाहे दोस्तों एचपी टेट वाले हों, टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड या केबीएस वाले हमारे साथी हों, ठीक है। तो धातु सेन प्रसाद के किस नाटक का पात्र है, ये क्वेश्चन पूछा गया, राजश्री का, चंद्रगुप्त का, ध्रुव स्वामी का या फिर स्कंद गुप्त का। धातु सेन प्रश्न क्रमांक 13 नंबर का क्वेश्चन है और 13 नंबर में धातु सेन आपसे पूछा गया है। जनता जनार्दन कहां जा रही है बताएं। सौरभ वर्मा जी, रजनी वाला जी, बोले सर धातु सेन स्कंद गुप्त नाटक का पात्र हैं और ये चारों के चार जो नाटक है दोस्तों ये प्रसाद के नाटक हैं। जयशंकर प्रसाद की राजश्री भी है, चंद्रगुप्त भी, ध्रुव स्वामी और स्कंद गुप्त, ठीक है। ये ध्रुव स्वामी उनका अंतिम नाटक माना जाता है। नेक्स्ट है औरंगजेब की आखिरी रात, इसके रचनाकार कौन है, 14 नंबर का क्वेश्चन। रिंकी वर्मा जी, आशा जी बताइए, राधा जी, औरंगजेब की आखिरी रात इसके रचनाकार कौन है, 14 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है।
लाइक कर देना है जल्दी से, शेयर भी कर दो अपने मित्रों को। दोस्तों औरंगजेब की आखिरी रात के रचनाकार कौन माने जाते हैं? अच्छा क्वेश्चन है, स्टडी विद और हेमा सिंह जी बताएं। राइट आंसर है किसर औरंगजेब की आखिरी रात पूछा रामकुमार वर्मा लगा दो, जिनका जन्म 1905 में हुआ था। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा था इन्होंने 1938 में, ठीक है 1938 में, जो कि अधूरा ग्रंथ था। रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जात पर वचन न जाई, बताइए कौन सा दोस्तों इनमें छंद है, कौन सा छंद है? रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जात पर वचन न जाई। दोस्तों 15 नंबर का क्वेश्चन है, सभी को आंसर चयन करना है। और ऐसे सभी साथी जिनको भी एडमिशन लेना है, 15 तारीख से एक न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। न्यू बैच यानी कि शुरुआत से पढ़ने को आपको मिलेगा, शुरुआत से पढ़ाया जाएगा, हिंदी भाषा से आपको पढ़ाया जाएगा, उसके बाद देवनागरी, देवनागरी के बाद हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के स्रोत, ये सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी। तो रघुकुल रीत सदा चली आई और आपने पढ़ी है कि सर ये तो चौपाई है, चौपाई है, कितनी मात्राएं होती है? 16 मात्राएं होती हैं, ठीक है, यानी कि बी आपका राइट आंसर है। गणों की सही संख्या है तो क्या है, 4 है, 6 है, 8 है या फिर 10 है? गणों की संख्या, छंद में दोस्तों जो गण होते हैं, गणों की संख्या आपको बताना है कितनी मानी जाती है, गणों की संख्या कितनी मानी जाती है, 4, 6, 8 या फिर 10? और 16 नंबर के क्वेश्चन में आपने बताया है कि सर जो गण होते हैं, गण कितने होते हैं? सगण, तगण, मगण, जगण, कितने होते हैं? गण होते हैं 8, कितने होते हैं? 8, यानी कि सी नंबर, ठीक है, ये हो जाएगा। घर के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को देखना है, घर के सही पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? सदन, निकेतन, गेह, सदन, निकेतन, गृह, सदन, निकेतन, गह, साधन, निकेतन या फिर गेह। घर के लिए सही पर्यायवाची शब्दों का चयन करना है। यमाता राजभान सलगा, बिल्कुल सही है विमलेश कुमारी जी, बताइए चंदन जी, अनीता जी, घर के लिए सही पर्यायवाची शब्द कौन से हैं? 17 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको पता ही है कि सर यहाँ पर जो पंक्ति हो जाएगी, देखो 17 का बीट बता रहे बहुत सारे लोग, बहुत बढ़िया, कौन कौन बता रहे? बी, यहाँ पर विमलेश कुमारी बी बता रही हैं, प्रिया दुबे भी बी बता रही हैं, और बताओ को बता रहा है, अर्चना लोधी बी बता रही हैं, बहुत बढ़िया, और बता दो कौन बता रहा है, देख लें जरा, बी और बता रहे हैं, बलजीत जी भी बता रहे हैं, बहुत बढ़िया बलजीत जी, डॉक्टर रिंकी वर्मा जी भी बता रही हैं, बहुत बढ़िया, निशा वर्मा जी भी बता रही हैं, जनता जनार्दन देखो कहाँ जा रही हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, बी नंबर वालों को तो बिल्कुल है ना, रमेश कुमार जी बी बता रहे हैं, वेरी गुड। जबकि उत्तर क्या है छोटेलाल यादव जी? सदन, निकेतन और गे है, ये आपका बिल्कुल सही है, ये निकेतन नहीं है, ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये सही है आपका ए नंबर, सदन, निकेतन, गे है, ये घर के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति है, ये नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर है, ये नंबर आपका राइट आंसर है। कौन सा शब्द भिरमर का पर्यायवाची नहीं है, बताओ भिरमर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, बताओ श्रीष जी, बताना है जल्दी से, प्रश्न क्रमांक 18 नंबर का क्वेश्चन बताना है, बताइए 18 नंबर का क्वेश्चन, कौन सा शब्द भिरमर का पर्यायवाची नहीं है पूछा है, बताओ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जनता जनार्दन भी गलत निर्णय ले रही है आजकल, कौन सा शब्द भिरमर का पर्यायवाची नहीं है? अली, मधुक, ताम्रचूड़ या फिर षटपद? 18 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया आपसे, 18 में चयन करना है, और एक बार लाइक भी कर देना है सभी लोगों को। और उत्तर जा रहा है कि सर अली तो है, मधुप भी है, षटपद भी है, लेकिन ये जो ताम्रचूड़ है ये भौरा का या भिरमर का पर्यायवाची नहीं है, यानी कि उत्तर सी की तरफ चला गया। जनता जनार्दन बिल्कुल राइट, बहुत बढ़िया। रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कहलाती हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया, 19 नंबर में राहुल राज जी सभी लोग बताएंगे। और दोस्तों जिनको भी एडमिशन लेना है लाइव क्लास में, लाइव कोर्स में, तो 1200 में 12 महीने, 1200 में 12 महीने का ऑफर चल रहा है,
जिसमें आपको विस्तृत अध्ययन करवाया जाएगा। 15 तारीख से न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है तो बिल्कुल शुरुआत से पढ़ाया जाएगा। टॉपिक वाइज टेस्ट भी लिए जाएंगे आपके, है ना। एक टॉपिक जैसे हिंदी भाषा का टॉपिक पढ़ गया, उसके बाद टेस्ट होगा, ठीक है। और दोस्तों आपके बहुत सारे ट्रिकी वीडियो भी इसमें मिलेंगे, बहुत सारे टेस्ट भी आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कहलाती हैं, 19 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो आपका उत्तर हो जाएगा कि सर वो कहलाती है अनुभाव। क्या कहलाती है? अनुभाव कहलाती है, ठीक है। तो जिन्होंने भी बताया कि आश्रय की जो चेष्टाएं हैं वो अनुभाव कहलाती हैं, यानी कि आपका उत्तर जो सी नंबर है, देखो लाइन से लगा रहा है बी नंबर, आलंबन, ठीक है। तो बिल्कुल सही है ना निधि भारद्वाज जी। टाइम नहीं है तो बिल्कुल आराम से बैठो, चिंता नहीं है, यहां ऐसे ही क्लास चलती है। टाइम नहीं है तो आराम से बैठो, ठीक है। रस सूत्र है विभाव अनुभाव व्याभिचारी संयोग आदर्श निष्पत्ति, इसके आपको बताना है 20 नंबर का क्वेश्चन। ये बताइए कहां से लिया गया ये सूत्र है। यहां पर जो आए पढ़ने के लिए वो टाइम निकाल कर ही आए, नहीं तो घर पर बैठे। रस सूत्र विभाव अनुभाव व्याभिचारी संयोग आदर्श निष्पत्ति ये बताना है। प्रश्न क्रमांक 20 नंबर का क्वेश्चन है। 20 नंबर का आंसर यहां पर क्या हो जाएगा बताइए। 20 नंबर में आंसर क्या है रस सूत्र का, ये कहां से लिया गया रस सूत्र है? तो सभी को पता है कि सर नाट्य शास्त्र ग्रंथ है, नाट्य शास्त्र ग्रंथ किसका? भरत मुनि का, ठीक है। और भरत मुनि ने रसों की संख्या जो मानी वो कितनी मानी? 8 मानी, ठीक है। इन्होंने शांत रस नहीं माना, शांत रस नहीं माना, ठीक है। और इन्होंने अलंकारों की संख्या कितनी मानी? 4 मानी, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखो अंगूर खट्टे होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। प्रश्न क्रमांक 21 नंबर का क्वेश्चन है। अंगूर खट्टे होना, सुनील तिवारी जी बताइए, कुरैशी जी, क्या है यहां पर राइट आंसर? शीतांशु जी, सभी लोग बताएंगे, विश्वास मलिक जी, मंजू जी, अंगूर खट्टे होना मुहावरे का सही अर्थ क्या माना जाता है? 21 नंबर का क्वेश्चन है। 21 में लाइक करना है, कोई वस्तु ना मिलने पर उसका दोष निकालना, कोई वस्तु ना मिलने पर उसका दोष निकालना, यानी कि आपका जो बी नंबर है, बी नंबर बिल्कुल सही है, बी नंबर आपका राइट आंसर है, ठीक है। कोई वस्तु ना मिलने पर उसका दोष निकालना, बी नंबर करेक्ट आंसर है। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, इसमें कौन सा अलंकार है? कई बार पूछा भी गया है आप लोगों से और आपको पता भी है और पूछा भी जाता है, आगे भी पूछा जाएगा, सरल है लेकिन पूछा जाता है दोस्तों, बताइए। पंकज जी, आनंद जी, सभी लोग बताएं, लेट्स प्ले वे चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। जिन भी साथियों को हिंदी साहित्य के नोट्स मंगवाना है, ट्रिकी नोट्स, वो मंगवा सकते हैं दोस्तों अपने घर पर, ठीक है। संपर्क करें और नोट्स अपने घर पर मंगवा सकते हैं, बाई पोस्ट एक सप्ताह में आपके घर दोस्तों नोट्स पहुंच जाएंगे। चारू चंद्र की चंचल किरणें, इसमें कौन सा हो जाएगा? वो ऋषर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, बी नंबर आपका करेक्ट आंसर है और राइट आंसर है। कमल नयन में कौन सा दोस्तों अलंकार है? कमल नयन में 23 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। 23 का उत्तर क्या हो जाएगा? कमल नयन में कौन सा अलंकार है? मंजू यादव जी, आयुष सिंह जी बताइए, राजीव मौर्य जी, श्रीश मिश्र जी, कमल नयन पूछा है आपसे, कमल नयन में कौन सा अलंकार है? एक बढ़िया सा क्वेश्चन पूछा गया और आपका उत्तर हो रहा है कि सर यहां पर रूपक अलंकार लगा दो, रूपक। देखो बहुत सारे लोग अनुपमा लगा रहे हैं, कमल रूपी नयन नहीं हो जाएंगे यहां पर, तो रूपक अलंकार हो जाएगा ना ए नंबर में, ए नंबर, ठीक है। कौन सी रचना महादेवी वर्मा जी की नहीं है? एक क्वेश्चन पूछा गया, कौन सी रचना नहीं है महादेवी वर्मा जी का, जिनका जन्म 1907 में हुआ था दोस्तों। छायावाद की आधार स्तंभों में नाम लिया जाता है इनका, निहार, रश्मि, नीरजा, ये भी अपन को याद रख लेना है, ठीक है। बहुत बढ़िया शिवानी ठाकुर जी, वेरी गुड। कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? ये 24 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। और निहार तो है, रश्मि भी है, सांद गीत भी है,
ये युगांत नहीं है, फिर युगांत किसकी है ये बताइए। रश्मि आपको पता है ये बौद्ध धर्म से प्रभावित रचना है, किसकी, महादेवी वर्मा की। तो यहां पर आपका उत्तर बी नंबर सही है, युगांत। और युगांत के रचनाकार कौन है ये भी आपको बताना है। पंत की कौन सी रचना अरविंद दर्शन से प्रभावित है दोस्तों, 25 नंबर का क्वेश्चन। अरविंद दर्शन से प्रभावित रचना कौन सी है पंत की, स्वर्ण किरण, वीणा, पल्लव या फिर ग्राम्या, बताओ श्वेता जी क्या है यहां पर राइट आंसर। पंत की कौन सी रचना अरविंद दर्शन से प्रभावित नहीं है, 25 नंबर का क्वेश्चन। लाइक कर देना है सभी को, सेल्फ स्टडी क्लासेस को ऐप डाउनलोड कर लेना है दोस्तों, सर्च करना है सेल्फ स्टडी क्लासेस, पूरा सर्च कर लेना है क्लासेस तक, ठीक है। तो ये स्वर्ण किरण जो है ये अरविंद दर्शन से प्रभावित है दोस्तों, ये नंबर आपका सही है। पंत जी जिनका जन्म 1900 में हुआ था, है ना, अल्मोड़ा, कोसानी अल्मोड़ा में हुआ था दोस्तों। देखो कौन आया है इस वक्त में, कौन, कैसा, कैसा सर्वनाम है दोस्तों, बताओ कैसा सर्वनाम है। देखो कौन आया है इस वाक्य में, कौन, कैसा सर्वनाम है, प्रश्नवाचक है, निश्चयवाचक है, संबंधवाचक है या फिर इनमें से कोई नहीं। बहुत बढ़िया दीपिका शुक्ला जी, इसर युगांत रचना सुमित्रा नंदन पंत की रचना है जिसमें उन्होंने छायावाद के अंत की घोषणा की थी, बिल्कुल सही है। तो यहां पर 26 नंबर के क्वेश्चन में सीधा सीधा आंसर पूछा गया कि सर ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ये नंबर आपका सही है। सम्मुख का विलोम शब्द क्या होगा 27 में, सम्मुख का विलोम बताइए, सम्मुख का विलोम, मीना जी बताएं, पीनू सरोज जी, कमला ठाकुर जी, 27 नंबर सम्मुख का विलोम शब्द क्या हो जाएगा यहां पर। अनीता राजपूत जी, बिंदु लता जी, रमेश जी, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। उन्मुख होगा या बेमुख होगा बताओ, दो में से 27 नंबर में से क्वेश्चन आपको बताना है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। और 27 नंबर के क्वेश्चन में आपका उत्तर हो जाएगा कि सर उन सम्मुख का विलोम होता है बेमुख। शिवानी ठाकुर जी, बी नंबर बेमुख आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही। उद्धत का विलोम शब्द क्या है 28 नंबर का क्वेश्चन है, बताइए। राधिका जी, आंसू गोंडवाल जी, बीनू जी, जसवीर जी, रश्मि पाठक जी, उद्धत का विलोम क्या होता है, ये क्वेश्चन उद्धत कई बार पूछा जाता है। उद्धत का विलोम दोस्तों आप नॉर्मल तरीके से अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप बता नहीं सकते, क्योंकि आप लोग तो ये नॉर्मल विलोम पढ़ते रहते हैं, ये बिना बिना पढ़े भी आप बता देते हो, लेकिन कुछ विलोम ऐसे होते हैं जिनको पढ़ना ही पड़ता है। ये उद्धत का अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो वो नहीं बता सकता, जिसने पढ़ा है वो ही बता पाएगा, ठीक है। और पढ़ा है तो आपने बताया कि सर उद्धत का विलोम होता है सौम्य, यानी बी नंबर, बी नंबर आपका सही है। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, सर्वनाम, विशेष, विशेष विधेय या फिर प्रविशेषण। 29 नंबर का क्वेश्चन है, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, शोभा पांडे जी बताइए, दारसू जी, मुसरत निशा जी, सौरभ वर्मा जी, आशा कुमावत जी, 29 नंबर का क्वेश्चन है। और विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं ये पूछा गया है आपसे, और आपका उत्तर चला गया कि सर प्रविशेषण लगा दो, डी नंबर लगा दो, डी नंबर, बहुत सारे लोगों ने डी बताया, बिल्कुल सही है। गोल घड़ी अच्छी लगती है, इस वाक्य में गोल बताना है, गोल बताइए किस प्रकार का विशेषण है, विशेषण है गोल, ये किस प्रकार का विशेषण है, गुणवाचक है, संख्यावाचक है, सार्वनामिक है या फिर परिमाण वाचक है। गोल घड़ी अच्छी नहीं लगती, इस वाक्य में गोल किस प्रकार का विशेषण है, 30 नंबर का क्वेश्चन है, 30 नंबर में आपको उत्तर बताना है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। और गोल घड़ी में गोल जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण, ठीक है। तो आपका जो ए नंबर है गुणवाचक विशेषण, ए नंबर बिल्कुल सही है, ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। मैंने किराएदार नहीं रखे मुसीबत मोल ले ली, यह बताना है कि यह कौन सा वाक्य है, मैंने किराएदार नहीं रखे मुसीबत मोल ले ली, तो ये बताइए कौन सा वाक्य है, सरल है, मिश्र है, संयुक्त है या फिर इनमें से कोई नहीं। 31 नंबर का क्वेश्चन है, 31 नंबर में आपको बताना है, कौन सा वाक्य हो जाएगा ये, मैंने किराएदार नहीं रखे
बल्कि क्या करी है, मुसीबत मोल ले ली है। तो रितेश जी ने बताया है आंसर कि सर ये संयुक्त वाक्य है, यानी कि सी नंबर आपका सही है, ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा। मैंने किराएदार नहीं रखे बल्कि दोस्तों क्या ले ली, मुसीबत मोल ले ली। तो यहां पर आपका संयुक्त यानी कि आपका जो बी नंबर है वो बिल्कुल सही है, ये सॉरी सी नंबर है संयुक्त, वो राइट आंसर है। वह कल मेरे आने से पहले चला गया होगा, किस प्रकार का वाक्य है, वह कल मेरे आने से पहले चला गया होगा, ये किस प्रकार का वाक्य माना जाएगा। क्रांति राय जी, सुनीता कुमारी जी, तनु जी, ओम प्रकाश जी, 32 नंबर के क्वेश्चन में आपको बताना है। सभी लोग बताएंगे, लाइक कर दें, मित्रों को शेयर भी कर दिया करो सभी साथी। ये क्लास रोज रात्रि 9 बजे प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। वह कल मेरे आने से पहले चला गया होगा, किस प्रकार का ये वाक्य है, विस्मय वाचक है, बुलडोजर बाबा, संकेत वाचक है, संदेह वाचक है, या फिर विधि वाचक है। तो 32 नंबर में बताना है और यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहां पर 32 नंबर के क्वेश्चन में, बताओ। सभी लोगों ने संदेह वाचक बता दिया, लेकिन यहां पर जो आपका उत्तर है दोस्तों वो उत्तर हो जाता है, कौन सा हो जाता है, वो हो जाता है संकेत वाचक। वह कल मेरे आने से पहले चला गया होगा, संकेत वाचक है। अगला देख लो, आदिकाल को बीज बपन काल किसने कहा, आदिकाल को बीज बपन काल किसने कहा, जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए फटाक से, आदिकाल को बीज, बीज पता है, बीज किसके बोए, बीज अहिंसा के बोए, ठीक है। तो अहिंसा के बीज बोए, यानी कि आपका उत्तर हो जाएगा कि सर महावीर प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन आ रहा है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में आरंभिक काल को कौन सा नाम दिया है। 34 नंबर का क्वेश्चन है, 34 नंबर में आपको बताना है और यहां पर आपका उत्तर संदेह वाचक हो जाएगा दोस्तों, संदेह है, संकेत नहीं है, ठीक है। ये यहां पर अलग कर लो, संदेह वाचक है, जो कि जनता जनार्दन ने बिल्कुल सही बताया था, संदेह वाचक आपका राइट आंसर। वह कल मेरे आने से पहले चला गया होगा, यानी कि यहां पर संदेह का बोध हो रहा है, सी नंबर आपका सही है, पक्का नहीं है। बीज बपन काल किसने कहा, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी सही है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में दोस्तों आरंभिक काल को कौन सा नाम दिया है, बताइए। प्रश्न क्रमांक आपका 34 नंबर है, 34 नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। अब जनता जनार्दन जो उत्तर बताएगी वही तो मानना पड़ेगा, सभी लोग बताएं यहां पर राइट, बताइए। जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में आरंभिक काल को क्या नाम दिया है, आदिकाल, प्रारंभिक काल, चारण काल, या फिर वीर गाथा काल, सभी लोग बताएं। अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग बताना है, जल्दी से बताइए। और आपका उत्तर है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में आरंभिक काल को कौन सा नाम दिया है, और 34 नंबर का उत्तर है और वो उत्तर जा रहा है, क्या नाम दिया है, प्रारंभिक काल नहीं, क्या है, चारण काल, चारण काल यानी कि सी नंबर आपका करेक्ट है। निम्न में से कौन सी एकांकी रामकुमार वर्मा की नहीं है, एकांकी बताना है, जल्दी से बताइए। कौन सी रामकुमार वर्मा की नहीं है, वंदना जी, कामनी यादव जी, बताएं। निम्न में से कौन सी एकांकी रामकुमार वर्मा की नहीं है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो जल्दी से एक बार सभी लोग बताएंगे
उत्तर आपका क्या हो जाएगा यहां पर? सभी लोगों का आंसर जल्दी जल्दी से आने चाहिए, सभी लोग बताएं। और आपका उत्तर है कि सर यहां पर नहीं है पूछा है, 35 नंबर के क्वेश्चन में पूछा है, उत्तर क्या हो रहा है कि सर एक कारवा नहीं है, कारवा, बाकी ये है पृथ्वीराज की आंखें हैं। ठीक है, जनता जनार्दन सही जा रही है, वेरी गुड। रेशमी टाई सप्तकिरण भी है, कारवा नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, प्रगतिवादी समीक्षक हैं कौन है, प्रगतिवादी समीक्षक बताना है, बताएं। प्रगतिवादी समीक्षक कौन माने जाते हैं, मार्क्सवादी समीक्षक कौन माने जाते हैं? ये क्वेश्चन तो प्रायः आता ही है। आलोक से हैं, बताइए। तो आपका उत्तर है कि प्रगतिवादी समीक्षक हैं कौन? रामविलास शर्मा। ठीक है, तो ये आपका बी नंबर, रामविलास शर्मा तो बिल्कुल सही आंसर है। कैन का कभी किसे कहा जाता, 37 नंबर का क्वेश्चन है, कैन का कभी भी आपसे पूछा गया है। और आपको पता ही है, पूनम सैनी जी बताइए, साहिल जी लाइक करना है, जिन भी साथियों को नोट्स मंगवाना है हिंदी साहित्य के संपूर्ण नोट्स, साथ ही ट्रिकी नोट्स, बीच बीच में ट्रिक भी समाहित की गई, ट्रिकी नोट्स जिनको भी मंगवाना है वो मंगवा सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं नीचे दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल, है ना, हाँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड सोनू जी। अगर बच्चा वर्षा अच्छी होगी तो फसल भी अच्छी होगी, ये संकेत वाचक है, वेरी गुड। सोनू जी भी हमारे बहुत होशियार हो गए हैं। कैन का कभी किसे कहा जाता है, निराला, यशपाल, नागार्जुन, केदारनाथ? तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, और उत्तर हो जाएगा कि सर कैन का कभी किसे, निराला को कहा जाता है क्या? निराला नहीं, जनता जनार्दन कहां जा रही है, डी की तरफ जा रही, बहुत बढ़िया, बिल्कुल केदारनाथ अग्रवाल आपका सही है, डी नंबर आपका राइट आंसर है कि सर कैन नदी के किनारे घंटों बैठा करते थे, कौन? केदारनाथ अग्रवाल, इसलिए ने कैन का कभी कहा जाता है अग्रवाल जी को। ठीक है, बिल्कुल सही है। हिंदी की प्रथम प्रसिद्ध आत्मकथा कौन सी है, प्रथम प्रसिद्ध आत्मकथा, ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, ये पूछा गया था पंजाब मास्टर कैडर में पिछली बार, हिंदी की प्रथम प्रसिद्ध आत्मकथा कौन सी मानी जाती है, देखते हैं कौन कौन सही बता पाता है यहां पर, कौन कौन लुढ़क जाता है, जनता जनार्दन कहां जा रही, किसकी ओर जा रही है। हिंदी साहित्य के नोट्स मंगवाने के लिए दोस्तों आप नीचे लिखा नंबर संपर्क कर सकते हैं और अपने घर पर हिंदी साहित्य के ट्रिकी नोट्स मंगवा सकते हैं। हिंदी की प्रथम प्रसिद्ध आत्मकथा कौन सी है, 38 नंबर के क्वेश्चन में आपको बताना है माया राम जी। और सभी लोगों ने बताया कि सर हिंदी की जो प्रथम प्रसिद्ध आत्मकथा मानी जाती है मेरी आत्मकहानी, इसका रचना काल भी बताइए जल्दी से, मेरी आत्मकहानी जो कि श्याम सुंदर दास द्वारा रचित है, ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। इसका रचना काल क्या है, रचना काल बताइए, मेरी आत्मकहानी, ये नंबर में आपका सही है। अगला है सिकंजे का दर्द, आत्मकथा है किसकी है, सुशीला टाकबोरे, माता प्रसाद, देवराज उपाध्याय या फिर धर्मवीर? सिकंजे का दर्द आत्मकथा किसकी मानी जाती है, रचना जी, रोली सिंह जी, बीनू सरोज जी बताइए, मोना जी, जसवीर जी, सुनील जी, शिकंजे का दर्द ये आत्मकथा किसकी है, ये 39 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। 39 नंबर में आपका उत्तर जा रहा है कि सर शिकंजे का दर्द यानी कि सुशीला टाकबोरे, सुशीला टाकबोरे यानी कि आपका जो ए नंबर है, ए नंबर वो बिल्कुल सही है, ए नंबर आपका सही है, शिकंजे का दर्द बोले हम सुशीला टाकबोरे हो जाएंगे, ये नंबर वेरी गुड। संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं, 40 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे, लाइक करना है, टीजीटी पीजीटी वाले, एलटी ग्रेड वाले, केबीएस, एचपी कमीशन, एचटेट वाले, जिनको भी हिंदी साहित्य के ट्रिकी नोट्स मंगवाना है, आरपीएससी वाले, मास्टर कैडर वाले, वो मंगवा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, हिंदी साहित्य के बढ़िया नोट्स बनाए गए हैं, वो मंगवा सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। और जिन भी साथियों को लाइव कोर्स में एडमिशन लेना है वो लाइव कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। आपको करना क्या है, सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लेना है और हमसे सीधा संपर्क कर लेना है कि सर हमें लाइव कोर्स में एडमिशन लेना है। ठीक है, जिनमें आपको विस्तृत पढ़ाया जाता है, टॉपिक वाइज टेस्ट भी करवाया जाता है, उसे तत्सम कहा जाता है, बी नंबर आपका सही है।
कौन सा शब्द तुर्की है, तुर्की का शब्द कौन सा है, 41 नंबर का क्वेश्चन, तुर्की का शब्द कौन सा है शिव कुमार जी, कैंची है, चाय है, कमरा है या फिर रिक्शा है, ये बताना है, बताइए, बताएं। प्रश्न क्रमांक 41 नंबर है, आपको पता है कि इनमें से कौन सा शब्द तुर्की का है, 41 नंबर का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, और लगभग जनता जनार्दन जा रही है कैंची की ओर, कैंची चल गई जनता की, बहुत बढ़िया, कैंची चल गई तो ये नंबर आपने टिक लगा दिया, कैंची चल गई तो ये आपका सही हो जाएगा, ये तुर्की शब्द है दोस्तों कैंची, ठीक है, कैंची से अपन तुर्कू तुर्की 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 कर देंगे बोले सर हम, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं, ये अयोगवाह तो पूछे ही जाते हैं, आपको पता भी है, बताइए हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं, आ आ, इ इ, उ उ या फिर अम आहा, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं, ये बताना है जसवीर जी, सोनू जी जल्दी से बताइए, शेयर भी कर दिया करो सभी साथी, पूनम यादव जी, और आपको पता है कि सर अमहा में लगा दो, क्लिक कर दो, डी नंबर आपका सही है, या रा लावा व्यंजन है, बताइए किस प्रकार के व्यंजन, उसमें संघर्षी व्यंजन है, अंतस्थ है, संयुक्त है, पार्श्विक व्यंजन है, ये किस प्रकार के व्यंजन आपके माने जाते हैं, ये आपको चयन करना है दोस्तों। सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो आज ही प्ले स्टोर में जाइए, सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड करिए, और यार लव, यार से लव आप कैसे करते हो, बाहरी दिखावा करते हो और कि अंतस्थ से करते हो, और सब यार से हम लव करते हैं लेकिन कैसे अंतस्थ से करते हैं, अंतस्थ यानी बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संसद से सड़क तक के रचनाकार कौन है, संसद से सड़क तक मुक्तिबोध, धूमिल, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, लीलाधर जगुड़ी, संसद से सड़क तक इसके रचनाकार कौन है, अच्छा है क्वेश्चन, 44 नंबर का उत्तर आपको बताना है, और आपको मैंने कई बार बताया कि सर संसद से सड़क तक धूल मिल, धूल मिल, धूल ही धूल मिलती है, धूल ही धूल मिलती है, कहां तक, संसद से सड़क तक धूल ही धूल मिलती है, तो ये धूल मिल हो जाएंगे, और सुदामा पांडे धूमिल की रचना है, नाव के पांव के रचनाकार कौन है, नाव के पांव याद करवाया मैंने आपको, ट्रिक से याद करवाया है। तो कितने साथी हैं जिनको ट्रिकी नोट्स अपने घर पर मंगवाना, हिंदी साहित्य के बढ़िया नोट्स बनाए गए हैं, बढ़िया तरीके से आप पढ़ सकते हो, सीधा नंबर दिया है, संपर्क कर सकते हो, बात कर सकते हो, नोट्स एक सप्ताह में अपने घर मंगवा सकते हो। नाव के पांव इसके रचनाकार कौन है, 45 नंबर का क्वेश्चन है, और आपका उत्तर है कि सर नाव के पांव क्या रहते हैं, गुप्त रहते, गुप्त, तो गुप्त से क्या बनेगा, जगदीश गुप्त, यानी कि ये नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, जगदीश गुप्त आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नाव के पांव कैसे रहते, गुप्त रहते हैं, बहुत बढ़िया। अरे यायावर रहेगा याद, ये किसके द्वारा रचित यात्रा वृतांत है, अरे यायावर रहेगा याद, ये यात्रा वृतांत इसके रचनाकार कौन है, रामवृक्ष बैनीपुरी, अज्ञे हैं, राहुल सांकृत्यायन हैं या फिर यशपाल हैं, बताइए, सभी लोग बताएंगे, राज कुमारी जी, मोहन जी बताएं, कजरा मोहब्बत वाला भी आ गया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, क्या बात है। तो यहां पर अरे यायावर रहेगा याद अज्ञे द्वारा रचित है, बी नंबर, 1911 में इनका जन्म हो जाता है अज्ञे जी का, तो आपका बी नंबर बिल्कुल सही है। बोलती प्रतिमा रेखा चित्र के रचनाकार कौन है, बोलती प्रतिमा ये रेखा चित्र है, अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया, बोलती प्रतिमा श्री राम शर्मा, रामवृक्ष बैनीपुरी, भगवती चरण वर्मा या फिर राजेंद्र यादव, बोलती प्रतिमा इसके रचनाकार कौन माने जाते, आयुष जी, रीना यादव जी, कमलाकांत जी, श्वेता जी, लालदास जी, और बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो उत्तर है कि सर बोलती है प्रतिमा किसकी, श्री राम की बोलती प्रतिमा, ठीक है, बोलती प्रतिमा श्री राम की, तो श्री राम शर्मा, यानी कि ये नंबर आपका सही है, ये नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। महामानव महापंडित जीवनी के लेखक कौन है, महामानव महापंडित ये जीवनी किसने लिखी, 48 नंबर के क्वेश्चन में आपको बताना है, लाइक भी कर देना है, सभी लोग बताएंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया, और शेयर भी कर दो, महामानव महापंडित जीवनी के लेखक कौन माने जाते हैं, हिंदी साहित्य के बढ़िया नोट्स बनाए गए जो मैंने स्वयं बनाए हैं दोस्तों, बहुत ही मेहनत करके आप लोगों के लिए बनाए हैं, कई पुस्तकों का संकलन किया है, और आपको बीच बीच में ट्रिक भी उसमें समाहित की गई है। सो जिन भी साथियों को ये मंगवाना है ये नोट्स,
वो मंगवा सकते हैं। महामानव महापंडित जीवनी के लेखक कौन है? 48 नंबर का क्वेश्चन है, उत्तर है कमला सांकृत्यायन, यानी कि बी नंबर आपका करेक्ट और राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, बी नंबर। आवारा मसीहा में किसके जीवन का उल्लेख किया गया? ये तो आपको पता ही है कि आवारा मसीहा के रचनाकार विष्णु प्रभाकर हैं, लेकिन इसमें किसके जीवन का उल्लेख किया गया है? अनिल तिवारी जी, ये भी आपको पता होनी चाहिए। बताओ किसके जीवन का उल्लेख किया गया इसमें 49 नंबर के क्वेश्चन में, और सीधा सीधा आंसर जा रहा है कि सर आवारा मसीहा में किसके जीवन यानी कि शरत चंद्र के जीवन का उल्लेख किया गया, इसके रचनाकार विष्णु प्रभाकर हैं। ये नंबर आपका करेक्ट और राइट आंसर है। एक सूनी नाव के रचनाकार कौन है? एक सूनी नाव, ये किसकी रचना है बताओ? एक सूनी नाव के रचनाकार कौन है? सभी लोग चयन करेंगे। नितिन सागर जी बताइए, आनंद जी, दारसू जी बताएं, सुनील जी, और एक सूनी नाव यानी कि 50 नंबर का क्वेश्चन। बोले सर हम एक सूनी नाव से सर्वे करने जाएंगे। क्या करने जाओगे? सर्वे, सर्वे करने जाएंगे। पूनम साक जी, एक सूनी नाव से हमें सर्वे करना जाना है, तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना यानी कि डी नंबर आपका सही है। एक सूनी नाव से हम कहां जाएंगे? सर्वे करने। तो सर्वे से क्या बनेगा? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोगों ने पढ़ाई की है, बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हो। ये हिंदी साहित्य के नोट्स दोस्तों, जिनको भी मंगवाना है आप घर बैठे मंगवा सकते, एक सप्ताह में आपके घर पहुंच जाएंगे। बढ़िया तरीके से आनंद से पढ़िए, मजा आएगा। बहुत ही बढ़िया तथ्यों का समावेश किया गया है, इंपॉर्टेंट चीजें सारी उसमें समावेश की गई है। ठीक है, हर टॉपिक के वाइज उसके बाद दोस्तों उसके इंपॉर्टेंट तथ्य भी दिए गए हैं। टॉपिक वाइज रचनाएं, क्रमबद्ध रचनाएं लिखी गई हैं, सन वाइज रचनाएं लिखी गई हैं, कवियों के परिचय इसमें दिए गए हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो जिन भी साथियों के नोट्स मंगवाना है आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं, और जिन भी साथियों को हिंदी साहित्य के दोस्तों सेल्फ स्टडी क्लासेस में एडमिशन लेना है, तो अभी 10 तारीख तक ऑफर है 1200 में 12 महीने का। 15 तारीख से न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है। मधु दिम्मन जी, राजीव जी, ठीक है, और पायल रानी जी, पूनम जी, निशा जी, सोनू के एम जी, रितु जी, रजनी जी, अनुराग, विकास जी, लालदास जी, बिंदु जी, पूनम, नीतू जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, सभी साथी पढ़ते रहे, ज्योति शर्मा जी, ठीक है, बहुत बढ़िया है ना, और बिंदु लता जी, आलोक सिंह जी, लालदास जी, अशोक जी, छोटे लाल जी, ठीक है, अर्चना जी, वंदना जी, आयुष जी, सभी साथियों को धन्यवाद। पढ़ते रहें, अध्ययन करते रहें। जिन भी साथियों को नोट्स मंगवाना वो संपर्क करें, और दोस्तों जिन भी साथियों को एडमिशन लेना वो सेल्फ स्टडी क्लासेस से आप डाउनलोड कर लें। ठीक है, पढ़ते रहें, अध्ययन करते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। मोना भील जी, मधु जी, वीनू जी, आलोक सिंह जी, आशा जी, ममता जी, ज्योति जी, सोनू के एम जी, अंजू यादव जी, पूनम यादव जी, राशिद कुरैसी जी, ठीक है, दीपिका शुक्ला, अनीता जी, विकास भाटी जी, सभी को धन्यवाद। पूनम इंसान जी, ठीक है, जय हिंद।